वापस नहीं करता है कि मैं अपने बिहार जाऊं, समस्तीपुर जाऊं, अपना घर में रहूं। मन टूट गया। ऐसे ऐसे चीज़ें हमने देखी अपने खिलाफ, मम्मी से, पापा से, मेरी बहन से खासकर, जिसको मैं इतना प्यार दुलार देता था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मॉर्निंग के टाइम में हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। ये देखिए अभी वीडियो का एडिटिंग, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और ये देखिए वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं आराम से। कोकोनट वाली बिस्किट है, यहाँ पे देखिए झालमुरी है, और ये देखिए मॉर्निंग के टाइम में ये देखिए भैया ये मैगी बनाई है, मैगी खाने के लिए। बताओ, इधर गर्मा गर्म चाय रखा हुआ है, एक लोटा पानी, आधा लोटा आप पी गए। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भी फिर हम लोग निकल रहे हैं घर देखने के लिए, भैया जी साथ में जा रहे हैं। कल हम लोगों ने घर देखा था, उसका डील जो है फिर से आज अगर अच्छे तरीके से फाइनल हो जाएगा तो चलिए मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल अभी पेट्रोल पंप पे आ गए हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए। ये देखिए हल्की हल्की धूप पे निकली हुई है। हम लोग गए थे बैराज घर देखने के लिए, तो फिर हम लोग गाँव में वापस आ गए। ठीक है, वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, एक घर का डीलिंग है तो हो भी नहीं पाया, तो हम लोग थोड़ा सा गाँव साइड में आए घूमने के लिए। और ये दोनों भैया को देखिए, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसे सहतूत। अरे दत्ता, सच में तोड़ लिया आप? घर वाले कहीं बोलने लगे? देखिए इसे यहाँ पे सहतूत बोलते हैं। थैंक यू सर। कट जाएगा कि नहीं? वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सहतूत इसे बोला जाता है यहाँ पे। घर वाले कोई देखेंगे डांटे ना? खा के देखिए, खट्टा लगेगा। आराम से आराम से आराम से। और पूरा गांव का लोकेशन ये देखिए आप लोग। बोलिए भैया। ये एकदम कच्चा, कच्चा है ना, लेकिन गांव में घर बनाने से ना सुकून मिलता है। जैसे मेरा ही घर देख लीजिए बिहार समस्तीपुर में, वहाँ पर एकदम चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बीच में घर है। क्या लोकेशन ही है, मज़ा ही आ जाएगा। ये चारों तरफ देखिए गैया चारा चढ़ रही हैं, बीच में खेती शायद किया गया है किसी चीज़ का। खोलिए थोड़ा सा, हम लोग प्लाटिंग देखते देखते थक गए, तो हमने सोचा कि थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, तो हम तीनों भैया यहाँ आ गए। बहुत धूप है, ये एरिया पूरा शांति का इलाका है एकदम। अच्छा भैया, यहाँ पे मतलब आप लोग अलग से आके रहे हैं कि ये गाँव से ही हैं शुरू से? तब ठीक है, खेती ले पैतृक संपत्ति से है ये। ऐसा तो पूरा गांव देहात साइड में आता है ना ये? जी सही है भैया, यार बगल में बहराइच है, सिटी है, फिर देहात है। वही रास्ते से आए ना हम लोग, वही रास्ते सीधा निकल जाओ, वो इस साइड से निकल जाओ। चलो तब ठीक है। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं अब यूट्यूब छोड़ करके ना अब यही धंधा आराम से करें। क्या भैया जी, फायदा ही है क्या? वीडियो वीडियो बनाने में कुछ नहीं मिलता यार, एक रुपया भी नहीं मिलता है। आराम से यही अपना, जैसे वो वीडियो इंस्टाग्राम पे चलता है ना, एक खाला, एक काकी, एक चाचा, एक चाची, 160 160 160 500 में, पैसे नहीं है तुला लो, और तुलाने के बाद आँख मत आना, पलवली बना देंगे। थोड़ा सा भैया को हमने देखा ना तो मस्ती कर लिया जाए, हमने सोचा कि वीडियो शूट कर ले, भैया अकेले बैठे थे। भाई यार मानना पड़ेगा बहुत मेहनत करते हो आप। थैंक यू। हम अकेले ही बैठते, अकेले बैठते हो? दूर दूर तक जाते हो आप? यार जाते बहुत हैं लेकिन एकांत में बैठते हैं। अच्छा, और सुकून मिलता है साथ में? बस मैं कभी भी होगा तो हमको रोडी पे अकेले पाएंगे। चलिए ओके, दिनदास ओके भैया, थैंक यू। फाइनली अभी हम घर पे आ चुके हैं, आज थक गए। जहाँ पे प्लाटिंग थी और घर, तो घर तो हमें चुप बजा, वीडियो बना। तो जो घर हम लोग देखने के लिए गए हुए थे वो भैया जी मना कर दिए, बोले कि वो घर थोड़ा सा ठीक नहीं था, और यहाँ बिसवा कहा जाता है तो आधा बिसवा में वो घर बना हुआ था। ठीक है, और कमरा भी थोड़ा छोटा था, और पैसे जो है ना उस हिसाब से ज़्यादा मांग रहे थे, जो कि मेरे बजट से ज़्यादा बाहर है। फिर उसके बाद हम घर आ गए, और घर आते ही एक चुड़ैल मिल गई। देखिए इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और इस चुड़ैल को हम मार भी सकते हैं। आज 6-7 दिन बाद जो है देवी जी नहाई है स्नान। ये कितना झूठ बोल रहे हो, 3 दिन के बाद नहाई? हाँ भैया, ये कितने दिन बाद नहाई है? अगले वाली नहीं ना, परसों नहाए। हम तो 3-4 दिन का नाम लिए, अब ज्यादा दिन बोल दिए। वहाँ पे मतलब सारे गांव का मुंडन होता है? सारे गांव का नहीं मतलब, तो जो जो मन्नत रखते हैं
अच्छा अच्छा, मतलब जो मन्नत मांग के रखते हैं यहाँ पे मुंडन होता है। अच्छा, अभी मुंडन नहीं हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा है। अगर छोटी तलैया घूमने के लिए, छोटा सा तालाब है यहाँ पे, इसमें मछली पालन होता होगा जरूर, है ना, इसलिए छोटा तालाब बना। इसमें नहाते भी है कि नहीं लोग? नहाते नहीं है। नहाते नहीं है क्योंकि इसमें केमिकल खास प्रकार का मिला रहता है ना, इसी वजह से। छोटा सा नाव है और सामने कुछ है, ये सौर ऊर्जा लगा हुआ है, ये देखो। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया फैमिली है, परिवार है, गलत फहमी होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, आप घर जाइए, वापस लौट जाइए और जाके अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उनके साथ में रहिए। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि मैं कलयुग का श्रवण कुमार बनने की कोशिश किया था, मेरा कोशिश था कि माता पिता का मैं सेवा करूँ, परिवार को सबको अच्छे से रखेंगे, मेरी बहन अच्छे से रहेगी, ठीक है, बहन की शादी होगी, बहुत सारे सपने मैंने देख रखे थे अपनी शादी की, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा, जो सारा सपना जो है ना अपने लोगों ही तोड़ दिए, और क्या ही बताएं। फिर से मन वापस नहीं करता है कि मैं अपने बिहार जाऊँ, समस्तीपुर जाऊँ, अपना घर में रहूँ, मन टूट गया। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी अपने खिलाफ, मम्मी से, पापा से, मेरी बहन से खासकर, जिसको मैं इतना प्यार दुलार देता था, उसने इतना बड़ा धोखा दिया, तो मन जो है ना बिल्कुल भी मतलब टूट गया। मन नहीं करता कि फिर से मैं उस घर में जाऊं। और मेरा जल्द से जल्द शादी करने का भी रीज़न था कि क्या ही बताया, बस वही धोखा के कारण अभी मैं शादी करने के लिए बिल्कुल भी खिलाफ था। अभी शादी मैं करना ही नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि आराम से मैं शादी वगैरह करूँगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहन की शादी हो जाएगी। क्या आप लोग कभी कभी सोचते हो कि हमारी जो सुहानी बहन थी उसकी शादी इतना जल्दी मैंने क्यों करवाया, क्या रीजन्स रहा होगा, इसमें किनके किनके हाथ होंगे, और कैसे मेरे साथ धोखा और फरेब किया गया, और हमारे फॉलोवर को जो है लूटने का प्रयास किया गया, ठीक है, और हमारे दामाद हमारे घर में आए, ठीक है, दामाद ही मैं बोल रहा हूँ, अभी भी आकर के पूरा परिवार में लड़ाई लड़वाए, हिस्सा मांगने की कोशिश किए। तो ये सब सारा चीज़ ना मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे, अभी नहीं, बस क्लू दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सेटल हो जाता हूँ ताकि मुझे इस प्रकार का कमेंट ना आए। और मुझे पता है कि जब मैं अपनी हकीकत अपने बारे में बताऊँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने क्यों छोड़े अपने माता पिता को, माता पिता को कोई नहीं छोड़ सकता, माता पिता जन्मदाता होते हैं, उनके हम कर्जदार हैं, उनका हक है, वो मेरे से अब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ करेंगे इसके लिए अब से हम कभी नहीं कर रखे थे कि हमारे साथ खास करके इस प्रकार का व्यवहार होगा, खास करके मेरे बहन को लेकर के, दामाद को लेकर के, ज़मीन जायदाद से बेदखल वाली कहानी, ये सब चीज़ें। जो क्या मेरी गलती यही है कि मैंने अपने माता पिता के पाँव छुआ, उनको प्रणाम किया, पाँव छू करके पैसे दिया, लोगों को मैसेज दिया, पूरी दुनिया से लड़ बैठा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसने अपने माता पिता को साथ में रखा, क्या मेरे माता पिता पैसे के लिए वीडियो में आते थे, ये सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के आने के बाद बहुत सारी सच्चाई निकलेगी, जो मेरे खास करके अपने लोग इसमें शामिल होंगे और वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका नाम बदनाम करे, इसको परेशान करे, लेकिन सच तो सच होता है। कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज़ को स्टार्टिंग करोगे तो उसके लिए पहले बीज बोओगे, बीज बोओगे, बीज फिर बड़ा होगा, फिर उसका पेड़ बनाओगे, पेड़ में फल लगेंगे तो सब लोग तोड़ तोड़ के खाएंगे पेड़ का, सब लोग जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो सब लोग रखवाली करेंगे। जैसे मानिए कि जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे करीबन 36,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, फिर उसके बाद मम्मी पापा को मैंने वीडियो में ऐड किया, उसके बाद बहन को मैंने ऐड किया, उसके बाद पूरा फैमिली को ऐड करी, फिर सारा दुनिया दिखाने लगा यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें। पहले तो मैं स्टार्टिंग करा था ना, और ऐड कब होते हैं, जब आप मनी दोगे, पावर, मनी का, पैसा का पावर ये होता है, ऐसे कोई नहीं आएगा, माँ बाप, दुनिया, संसार, मोह माया जो देखते हो ना, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा ये चीज़ें। तो जल्द से जल्द वीडियो आएगा, बस मैं सेटल हो जाता हूँ अपने परिवार के साथ में, और मेरा शादी करने का भी यही रीज़न से। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ये वो फलांडी, मगर मुझे कुछ उससे मतलब नहीं है, मैं बस मैं जानता हूँ मेरे साथ अगर धोखा होता है मैं उस इंसान को छोड़ देता हूँ, चाहे अगर भगवान भी आएंगे, अगर भगवान भी अगर दो मिनट के लिए धोखा देंगे हमें, तो मैं उनको भी नहीं मानूंगा कि भगवान होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में मैंने बहुत सारे दर्द सहे, अब नहीं सहूँगा। अपनों का दर्द ना पूरा दिल पर लगता है, यही चीज़ है। बस कुछ दिन रुकिए, थोड़ा दिन रुकिए, बहुत कमेंट कर रहे हैं माँ बाप को छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दी, ये ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, बीज मैंने ही बोया है और मेरे साथ क्या धोखा हुआ है, ये चीज़ें बस आप लोगों से क्लियर करना। जल्द से जल्द ब्लॉग आएगा, बाकी यहाँ का नज़ारा, हम घूमने के लिए हम आ गए थे, देख सकते हैं आप लोग।